So, hey, what's up, guys? Guys, Creative Tech is back here with another video. So, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रीन स्क्रीन को कैसे एडिट कर सकते हैं. सो ग्रीन स्क्रीन की वजह से आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे अभी मैं फिलहाल अपने स्टूडियो में हूँ और चुटकी बजाती है मैं कहीं और. तो कैसे हैं आप लोग? सो आज की वीडियो बस हम इसी बारे में करने वाले हैं. तो चलो सो मैं यहाँ एडिटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. जो आपने अभी स्टार्टिंग में क्लिप देखी मैं वही एडिट कर रहा हूँ. सो इसकी सारी एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड के और जो टॉप साइड आपको एक वेक्टर दिख रहा है वो. सो ये मैंने बैकग्राउंड ऐड कर दिया, देख सकते हो. और इसके नीचे ये स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन पे जिसमें वहाँ पे मैं बैठा हूँ. सो और ये दो जो ऊपर वेक्टर और मेरा नाम लिखा हुआ है सो वो है, ये इरेज्ड में है. और चलो अभी इसको हम जाएंगे क्रोमा इधर गया. हाँ सो ये यहाँ पे हम लिए क्रोमा की पे जाएंगे और एनेबल करेंगे पहले इसको, फिर इसको हम वाइट करेंगे. जहाँ जहाँ हम बैठे हैं उस चीज़ को वाइट करेंगे, देखेंगे अगर ग्रीन स्क्रीन आया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, बाकी हम ब्लैक रहने देंगे बैकग्राउंड ताकि वो इरेज हो जाए. सो अभी फ़िलहाल ये कर सकते हैं. अब साइज़ हम चेक कर लेंगे एक बार. सो एक बार चेक कर लेते हैं ताकि वो ग्रीन ना दिखे. सो अभी थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रहा है बट वो एडजस्टेबल, तो वो सेट हो चुका है. और ये देखो, तो इसको हम ब्लैक सेट कर देंगे ऐसे. सो यहाँ पे भाई सेट हो चुका है और बढ़िया सेट हुआ है यार ये. सो ऐसा लग नहीं रहा कि मैं अपने किसी में एडिट करा हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो ये वही कैलिमिनाटी वाला, और मुझे बैकग्राउंड मिल नहीं रहा था तो मैंने कैलिमिनाटी की वीडियो से उठा लिया और बैकग्राउंड वैसे बैठे हुए हैं. सो यहाँ पे अभी हम एक नया एलिमेंट स्टार्ट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने किस तरह से हम ग्रीन स्क्रीन बाकी मतलब और कौन कौन से हम बैकग्राउंड और कैसे लगा सकते हैं, ठीक है. सो ये सारे आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे लगाने के लिए. और सो ये सारे बैकग्राउंड यहाँ पर आपको सारे के सारे जो भी आप चाहिए वो लगा सकते हो. पहले आपको बैकग्राउंड सेट करना है, फिर ग्रीन स्क्रीन लेयर्स में से सेट करिए, तभी वो मतलब एडिट करना ईजी होएगा, नहीं तो आपको ग्रीन स्क्रीन थोड़ा थोड़ा साइड में दिखेगी ज़रूर. सो इसको हम सेट कर लेते हैं ताकि ये जूम इन और जूम आउट ना होए. तो हम इसका स्क्रीन साइज़ स्टार्टिंग और एंडिंग का सेम रखेंगे. सो इसका तो फिलहाल सेम है. अभी हम लेयर से अपनी वीडियो उठाते हैं और सॉरी ये क्या, सो कैमरा और ये वीडियो उठाई है मैंने. सो इसको थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा. सो ये लोड हो रहा है फिलहाल तो, और बहुत टाइम लगा रहा है एनकोडिंग में. सो इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है तो 54 सेकेंड्स. ओ सो आगे चलते हैं. सो यहाँ पे लोड हो चुकी है वीडियो और आप अपनी साइज़ के लिए जैसा मर्जी आप सेट कर सकते हैं. वीडियो मैंने ऐसे कुछ सेट कर चुका हूँ. सो आपको दिखाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेट कर देते हैं. क्रोमा की फिर से जाएंगे हम और यहाँ पर ये सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से. तो ये लाइटिंग दिख रही है तो हम क्रोमा की दोबारा सेट करेंगे और इसको वाइट करेंगे. जितना ब्लैक करोगे वो उतना मर्ज हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ वाइट रखिए. जो आपको बैकग्राउंड इरेज करना है आप उसी ही ब्लैक रखिए ताकि वो हट जाए पूरी तरीके से. तो यहाँ पर हम ये भी बहुत बढ़िया बन चुका है और जैसे कि आप देख ही रहे हो. सो मैं फ़िलहाल साथ साथ एडिट भी कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा काम बहुत ही बढ़िया हो चुका है दोस्तों. सो मतलब बढ़िया है. चलो गाइस, कैसे लगे वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं वैसे ही रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ. और जिसने टाउन बॉय एपिसोड 2 नहीं देखा तो ये थंबनेल आपको दिख रहा है और यहाँ पे आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. प्लीज़ आप जाके देखो, टाउन बॉय बहुत ही अच्छी है और पार्ट 3 तो एपिसोड 3 तो मतलब तो भाई. सो मिलते हैं वीडियो में, टिल देन गुड बाय.